भाई आईपीएल शुरू हो रहा है। नहीं मैं नहीं देखता वो अजीब खेल, दिमाग का भाजीपाला हो जाता है मेरे। वो कैसे भाई? हाँ बताता हूँ, तू पहले इंट्रो तो लगा। युवराज सिंह मेरा फेवरेट प्लेयर था, वो जिस टीम में जाता था उस टीम का टी शर्ट में पहनता था। वो पंजाब में था, मैं पंजाब का शर्ट पहन के आया, तब तक वो पुणे में चला गया। मैं पुणे का शर्ट पहन के आया, वो बैंगलोर में चला गया। मैं बैंगलोर का पहन के आया, वो दिल्ली चला गया। फिर मैं दिल्ली का पहन के आया तो वो हैदराबाद चला गया। फिर मैंने भी ठान लिया इस साल से मैं नंगा बैठूंगा मैच देखने। जितना अजीब ये खेल है उससे अजीब इनके टीम के नाम होते। पहला ये मुंबई इंडियंस। नहीं तुम पहले ये फिक्स करो कि तुम मुंबई की तरफ से खेल रहे हो या इंडिया की तरफ से। और ये मुंबई इंडियंस क्या है? मुंबई तो इंडियन ही होगी ना, कभी सुना है? मुंबई जापानी, मुंबई चीनी, मुंबई अफगानिस्तानी, मुंबई नेपाली। वो पहले एक टीम थी, क्या नाम था उसका? हाँ डेक्कन चार्जर। नहीं कौन सा चार्जर, कैसा चार्जर, मोबाइल का या लैपटॉप का? मेरे फोन की बैटरी चार्ज करेगा क्या ये चार्जर? नाम तो ढंग से रख लेते। फिर आते किंग्स इलेवन पंजाब। नहीं मुझे एक बात बता, इलेवन किंग कौन से राज्य में होते बे? और इन इलेवन किंग की एक रानी प्रीति जिंटा, जिसका राजा कोई और ही है। और लास्ट में आता है कोलकाता नाइट राइडर्स। नहीं किस चीज के राइडर है ये, घोड़े के या गाड़ी के? और ये राइडर हमेशा नाइट में ही क्यों निकलते है? दिन में मोतिया बिंदु हो जाता है इनको। कंट्रोल भाई, नाइट मतलब सरदार। अरे काहे का सरदार, इनका सरदार तो टीम छोड़ के दिल्ली भाग गया। फिर आते इनके गाने, ये मुंबई इंडियंस का देख, दुनिया हिला देंगे हम। नहीं हिलाओ अपनी बाप की दुनिया, हिलाओ पोपटलाल चाचा लगता है इनका, दुनिया हिलाएंगे। ये राजस्थान का देख, हल्ला बोल हल्ला बोल। नहीं क्या हल्ला बोल, किस पे हल्ला बोल? मैच खेलने आए हैं या महेशमती साम्राज्य की रक्षा करने आए? मेरा वचन ही है मेरा शासन। मुझे याद है वो पहले फरा खान आती थी, दिल जंपिंग झपांग जंपर जंपर टंपिंग टपांग टंपर टंपर। सिर्फ देखने का नहीं, नहीं सिर्फ देखने का नहीं तो क्या, क्रिस गेल को देखकर हिलाऊं क्या? एक दिन टीवी पे आईपीएल देख रहा था, माँ ने पूछा बेटा कौन सी मैच देख रहा है? मैंने बोला कोलकाता की। पूछती है इंडिया का स्कोर क्या हुआ है? फिर थोड़ी देर बाद रॉबिन उत्तप्पा फॉर्म में आ गया, मैं चिल्लाने लगा उत्तप्पा 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 उत्तप्पा। मेरी माँ चार प्लेट उत्तप्पा लेके आई मेरे लिए। चिकन खाने का मूड था, उत्तप्पा खा के पेट भरा है मैंने। सुबह इडली वाली टट्टी निकली मेरी। एक दिन घर में अपने रिटायर्ड दादाजी के साथ चेन्नई की मैच देख रहा था, अचानक बुड्ढा भड़क गया, बोलता है धोनी ऑस्ट्रेलिया में कैसे चला गया? तब से मैंने ठान लिया कि घर में मैच देखूंगा ही नहीं, दिमाग का दही कर देते बहन के पकोड़े। आईपीएल में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो ये स्पॉन्सर वाले देते, प्लेयर्स के टी शर्ट पे उनका नाम कम और स्पॉन्सर ज्यादा दिखाई देते। कल मेरी दादी पूछ रही थी कि ये जियो नाम का प्लेयर कौन है। नहीं इनकी हर चीज स्पॉन्सर्ड होती है यार, स्टेडियम स्पॉन्सर्ड, बाउंड्री लाइन स्पॉन्सर्ड, ग्राउंड स्पॉन्सर्ड, अंपायर स्पॉन्सर्ड, बैट स्पॉन्सर्ड, स्टंप स्पॉन्सर्ड, टोपी स्पॉन्सर्ड, शर्ट स्पॉन्सर्ड, पैंट स्पॉन्सर्ड, अंदर की चड्डी भी स्पॉन्सर्ड होगी, सुबह टट्टी भी स्पॉन्सर्ड हकते होगे ये लोग। स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि चूर्ण। जैसे ही मैच चालू होती है वो वड़ा फोन के पालतू जुजू आ जाते हैं बीच में, साले टकले घूंगे भोपाड़ी के, ऐसे ऐसे आवाज निकालते पता ही नहीं चलता मुंह से निकाल रहे या पिछवाड़े से। और इनकी एड तो घंटा समझ में नहीं आती, दिमाग का भाजीपाला कर देते यार ये लोग। कंट्रोल भाई कंट्रोल, वो क्रिकेट छोड़ो मेरे साथ टॉम एंड जेरी देखो चलो। चल मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ आईपीएल खेलने। भाई आईपीएल? अरे इंडियन पादरी लीग, जहाँ लोग देश विदेश से आते हैं और अपनी पाद की ताकत दिखाते हैं। और आप भी अपने हाथ की ताकत दिखाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, वास्तविकता में मैं भी आईपीएल का बहुत बड़ा फैन हूँ।